हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस्तकबाल है मॉम फूड डायरी में। तो आज यहाँ पे देखिए, ये तीसरी यानी कि इसे क्लैम्स बोलते हैं, ये कोंकण गोवा कारवार साइड में बहुत आपको मिल जाएंगे, बहुत टेस्टी होते हैं, इसकी बहुत सारे रेसिपीज भी बनते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये तीसरी होती है क्लैम्स। इसकी जी और एक बड़ी आती है, वो उसको खूबा बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। तो ये तीसरी यहाँ पे देखिए, अगर आप उसको हाथ में लेकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक साइड उसका ब्रॉड होता है और एक नैरो साइड होता है। तो जो ब्रॉड साइड होता है, अब देखिए जो देख रहे हैं, तो उससे हम कोई भी धार वाले चीज़ को लेकर उसको साफ़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कैसे कट करते हैं, कैसे साफ़ करते हैं, वो मैं दिखाऊंगा तीसरी यानी कि क्लैम्स को। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लैम्स है, ये अंदर का फ्लैश। तो हम बना रहे हैं एक स्पेसिफिक डिश जिसको बोलते हैं तीसरी एक शिपी, जिसमें तीसरी का जो एक शिपी जो एक शेल होता है वो रखकर वो डिश बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए उसको कैसे कट करना है। तो अगर आप ये तीसरी जो होती है क्लैम्स होते हैं, ये अगर आपको कोई दूसरी रेसिपी में यूज़ करना है, जैसे तीसरी का सूखा होगा या कोई सब्ज़ी में, तो आप दोनों शेल को निकाल कर फेंक सकते हैं, सिर्फ अंदर का फ्लैश ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ये बना रहे हैं स्पेसिफिक डिश तीसरी एक शिपी, इसलिए हम उसका एक शिपी या एक शिपी होती है, यहाँ पर देखिए एक हमें ऐसे निकाल लिया, और ये हम एक पतीले में पानी रख कर हम उसमें से डालकर उसको कलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पर, और एक शेल जो है वो फेंकेंगे इसका, क्योंकि हमारी जो रेसिपी है सिर्फ एक शिपी लगती है। यहाँ पे देखिए, इस तरफ से रख कर हम पतीले में रखते जाएंगे, पतीले में थोड़ा सा पानी रखा है हमने। तो इस तरीके से इसको करला बोलते हैं, करलाना, जो लोकल कोंकणी कावा साइड में इसको जो साफ़ करने को करलाना बोलते हैं। तो ये तीसरी तो हम इस तरीके से कट कर इसको साफ़ करके एक पतीले में रखते जाएंगे, और ये हमारे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इसकी रेसिपी क्या होती है तीसरी एक शिपी की। तो ये जो वीडियो में मैं आपको कैसे कट करते हैं, कैसे साफ़ करते हैं तीसरी क्लैम्स को, वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कम्प्लीटली रेडी है, हमारे क्लैम्स सभी साफ़ कर हो चुके हैं, इस तरीके से ये हमने रखे हैं। तो अभी इसको आप अगर दो दिन बाद या जब रेसिपी बनाने के टाइम पर यूज़ करेंगे, तो तब तक उसको कैसे अच्छा रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊँगा। तो ये हमारी कट और क्लीन कर हमारी क्लैम्स रेडी है। इसके बाद अभी हम उसको थोड़ा सा पकाएंगे, यानी कि बॉईल करेंगे। बॉईल कर कैसे करते हैं और क्या क्या ऐड करते हैं उसमें, तो मैं आपको अभी नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। तो ये है क्लैम्स यानी कि तीसरी रेडी है ये। तो इसको अब हम एक बड़े से पतीले में लेकर स्टोव पर रखेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसमें हमने प्याज, नमक, हल्दी ऐड कर इस पूरे पतीले को आपको बिल्कुल ही इसमें अंदर चम्मच नहीं डालकर उसमें घुमाना नहीं है, सिर्फ उसको हम पूरे पतीले को थोड़ा शेक कर सकते हैं इस तरीके से, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से थोड़ा शेक कर आपको ये बॉईल कर रखना है। ये आपको 7 मिनट्स यानी कि 7 मिनट तक इसको बॉईल कर रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, खुदा हाफिज़।